हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में सीखेंगे लॉस एंड प्रॉफिट। जो ठेकेदार होता है वो अपना लॉस एंड प्रॉफिट कैसे निकालता है। अगर आप भी ठेकेदार है, लेबर ठेकेदार है, आप चाहते हैं कि मैं अपने कमरे के अंदर कितनी ईंटें मेजरिंग करेंगी, जो लेबर है, प्लास्टर है, तो वो एक दिन में कितना प्लास्टर होता है, कि जैसे कि आपका जो प्लास्टर का रेट है, जो कि आपका प्लास्टर का रेट है आपका सपोज कीजिए आप कोई अपना घर बनवा रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कोई ठेकेदार है, अपना एक घर बनवा रहे हैं, एक घर बना रहे हैं बनवा रहे हैं, तो उसमें लेबर को चाहिए, लेबर एंड मिस्त्री। जो एक लेबर एंड मिस्त्री है वो एक दिन के अंदर कितना प्लास्टर आपको करके देते हैं, और जो आपने एक को जो अपने ओनर से जितना आप प्लास्टर का रेट लिया है, सपोज कीजिए आपका ये रूम है, ठीक है, इसमें विंडो है, डोर है, आपको इसमें प्लास्टर करना है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको कितना लॉस होगा एंड कितना प्रॉफिट। कैसे पता करेंगे वो आप देखते हैं। सपोज कि आपका रूम है 10x10 फीट का, ये आपका रूम है 10 फीट बाय 10 फीट, 10 फीट की इसकी चौड़ाई है, 10 फीट की इसकी चौड़ाई है, 10 फीट की लंबाई है, ठीक है। तो एरिया क्या बना, 100 स्क्वायर फीट, इसका एरिया क्या हुआ, 100 स्क्वायर फीट, क्लियर। तो रेट ऑफ प्लास्टर, अपने जो रेट ऑफ प्लास्टर के लिए ओनर से, जो ओनर है इसका, जो आपसे दे रहा है, आप ठेकेदार है तो ठेकेदार आप हो, तो आपने कितना लिया, 12 रुपये पर स्क्वायर फीट में इसका जो रेट लिया प्लास्टर का, 12 स्क्वायर पर स्क्वायर फीट एरिया। उसके बाद एक टोटल एरिया प्लास्टर का कितना हुआ, टोटल एरिया प्लास्टर का कैसे बनेगा, इसके पास 4 वॉल है, जो इंटरनल वॉल है आपकी 4 है, ठीक है। तो 4 वॉल को किससे गुना करेंगे, 4 से, तो 4 आपकी वॉल है और एक वॉल कितनी है, 10x10। सपोज कीजिए 10 की इसकी चौड़ाई है और 10 फीट की इसकी हाइट है, 10 फीट चौड़ाई या 10 फीट हाइट, क्लियर। तो टोटल एरिया कितना हुआ, ये वॉल एंड ये वॉल। तो हमारे पास एक वॉल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन 4 वॉल है, 4 वॉलों का हम पे सबसे पहले देखेंगे एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया हमने निकाला, अगर आपके पास एक वॉल इसकी लंबाई और ऊंचाई 10x10 फीट की है, आप हाइट जो भी आपके पास होगी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपके पास होगी। मैं टोटल एस्टिमेट प्लास्टर का बता चुका हूँ, हमें क्या इसमें विंडो डिडक्शन करना है, क्या इसमें जैम लेने हैं, क्या इसमें जैम नहीं लेना है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, वो आपको फोर्थ वीडियो के लिए हेल्पफुल रहेगी, अब अगर आप अथॉरिटीज़ काम करवा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये बेसिक्स बता रहा हूँ मैं ओनली। तो चारों वॉलों का जो एरिया हुआ, 4 से गुना करेंगे तो 10x10, 1 फीट, एक वॉल की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 10 फीट 10 फीट, तो 4 से गुना कर देते हैं, तो 400 स्क्वायर फीट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों का 400 स्क्वायर फीट हो गया। अब हमें इसमें से क्या करना है, डिडक्शन करना है, विंडो हो गई एंड डोर्स हो गया, तो उसमें से कैसे करें, डिडक्शन करेंगे हम विंडो, तो -2 × 3, सपोज कीजिए ये विंडो आपकी 2 फीट चौड़ाई है और 3 फीट हाइट है, तो कितना हुआ, 3 × 6, तो 6 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। सेकंड देखते हैं, अगर आपके पास ये डोर है तो डोर की लंबाई चौड़ाई देखते हैं कितना है, 4 फीट, ठीक है, 4 फीट चौड़ाई है और 7 फीट उसकी हाइट है, तो 7×28, तो 28 स्क्वायर फीट एरिया होगा। तो हम 400 में से इन दोनों को अगर हम डिडक्शन करते हैं तो टोटल वॉल का प्लास्टर का आपके पास एरिया हो जाता है कितना हुआ, 366 स्क्वायर फीट एरिया। चलिए अब देखते हैं, आपको पता है कि जो मेजर है, जो आपका मिस्त्री लग रहा है, जो आपका प्लास्टर कर रहा है, उसका रेट है 600 स्क्वायर फीट, 600 रुपया पर डे, एक दिन में कितना कॉस्ट लेता है वो, 600। उसके बाद देखते हैं हेल्पर, मेसन के साथ एक हेल्पर भी होता है, जो रेट उसका होता है 400 पर डे, ठीक है, वो 400 पर डे ले रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 1000, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ पर डे, एक दिन में जो लेबर मिस्त्री होते हैं 1000 रुपये कॉस्ट ले रहा है, ठीक है। अब देखते हैं एरिया ऑफ प्लास्टर इन ए डे, तो एक दिन के अंदर मिनिमम प्लास्टर कितना होना चाहिए, मिनिमम इस, ठीक है। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ प्लास्टर इन ए डे, तो एक दिन में प्लास्टर कितना मिनिमम होना चाहिए, अगर आप कोई लेबर या मिस्त्री है, एक दिन के अंदर जितना आपके पास प्लास्टर हुआ, जितना लेबर मिस्त्री का रेट है, ठीक है, और जितना आपके पास प्लास्टर का हुआ, देखिए एक दिन में आपका कितना लॉस है, अगर आपके पास, अगर एक मिस्त्री का 1000 रुपये स्क्वायर फीट है, अगर वो सपोज कीजिए उसको 500 स्क्वायर फीट या फिर 100 स्क्वायर फीट एक दिन में करना है, अगर 100 स्क्वायर फीट से कम होता है तो आपको लॉस है, 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा करता है तो आपका प्रॉफिट है। तो रेट ऑफ वर्किंग लेबर, एक दिन में कितना कॉस्ट लेते हैं लेबर मिस्त्री का, कितना कॉस्ट होता है, 1000, ठीक है, और रेट कितना आपके पास, 12 स्क्वायर फीट, तो 12 स्क्वायर फीट, तो एरिया रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, तो 12 से 1000 से गुना करेंगे, भाग करेंगे, तो 83.833, इट्स मीन 84 स्क्वायर फीट मिनिमम
आपका एरिया होना चाहिए, प्लास्टर का जो एरिया है मिनिमम 11 इतना स्क्वायर फीट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है, इससे कम करते हैं तो आपका लॉस है, ठेकेदार को जो लेबर ठेकेदार होता है उसका लॉस है। ठीक है, तो रिक्वायर देखते हैं, रिक्वायर इन डे। अब ये आपका जो एक कमरा है, अब जो ये कमरा है तो इस कमरे में जो लेबर एंड मिस्त्री है वो कितना दिन लगाएंगे, मतलब जो आपका बराबर हो जाए, जिससे कि आपने जो रेट लिया है 12 स्क्वायर फीट ओनर से, वो जो उससे स्क्वायर फीट है वो उससे दिन में बराबर हो जाए। सपोज कीजिए आपको आपको ये चार लेबर मिस्त्री ने 4 दिन में काम खत्म किया है, आपका जो रेट बन रहा है वो 3 दिन में खत्म हो रहा है, तो इस मीन आपका लॉस है। अगर वही ये मिस्त्री 2 दिन में खत्म करके दे देता है तो आपको प्रॉफिट है। तो उस इस तरह से लेबर जो ठेकेदार होते हैं इस तरह से कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं टोटल एरिया। अब टोटल एरिया आपके पास कितना है कमरे के अंदर जो हमने निकाला था, और एरिया पर डे, एक दिन में मिनिमम कितना एरिया होना चाहिए। तो ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहा है कि 83.33 ये आपका बराबर है, तो मिस्त्री से आप क्या लेंगे, तो मिनिमम अगर आप उसको लेबर मिस्त्री बोलते हैं मिनिमम 120 या फिर 100 स्क्वायर फीट आपको चाहिए, अगर आप 100 से माइनस कर देंगे 83, सपोज 84, तो यहाँ पर कितना बचता है 16 स्क्वायर फीट। 16 स्क्वायर फीट तो 16 × 16, रेट कितना था आपके पास 12। ठीक है, ठीक है, तो जो दोनों गुना करते हैं जो आपके पास रेट आता है वो आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, बस इस तरह आप जो जो भी अगर जितना भी एरिया वो एक दिन में कर देता है, सपोज कीजिए 120 स्क्वायर फीट उसने लेबर मिस्त्री ने कर दिया काम खत्म लास्ट में, तो इसमें से जब 120 में से 84 आप माइनस करते हैं तो जितना भी आपके पास आ जाता है, सपोज कीजिए 6 एंड 36, ठीक है, तो आपके पास 36 स्क्वायर फीट एरिया है, 36 में से जब आप गुना गुना करेंगे 12 से, तो जो भी ये रेट आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। इस तरह से पर डे में प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। तो मिनिमम, चलो रिक्वायर्ड देखते हैं, आपके पास टोटल एरिया है 366 स्क्वायर फीट, और एरिया पर डे में कितना करते हैं मिस्त्री 83.33, तो 4.39, इट्स मीन 4.5 डेज। तो इट्स मीन जो लेबर मिस्त्री है 4.5 डेज में, मिनिमम 4.5 डेज में, तो वो है जिसमें आपको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। अगर यही मिस्त्री इसको 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट है, अगर यही एरिया लेबर मिस्त्री काम ख़त्म करते हैं 5 दिन में तो आपका लॉस है। इस तरह से जो प्रॉफिट है एंड लॉस है वो लेबर ठेकेदार इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ब्रिक मेसन में कैसे लॉस प्रॉफिट होता है, एंड कंक्रीट के अंदर लॉस प्रॉफिट कैसे होता है, जैसे फुटिंग का कंक्रीट निकाल रहे हैं, कॉलम की कंक्रीट निकाल रहे हैं, तो उसमें जो लेबर रेट जो लेबर ठेकेदार होते हैं वो कैसे लॉस एंड प्रॉफिट निकालते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।